हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे कुछ स्केचेस दिखाने वाला हूँ। सारे नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मैं सारे आपको एक एक दिखाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरे पास कुछ स्केचेस निकले हुए तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं स्केचिंग वगैरह क्यों करता हूँ, एक आर्टिस्ट के लिए स्केचिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपली उसके जो प्रोपोर्शंस वगैरह हो ताकि क्लियर हो जाए, हाथों में फ्लो अच्छा बैठे। और बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर दे रखी है, उस पर तो आपने देखी होगी। और स्केचेस को दिखाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इनकी भी वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँ, क्योंकि आप इनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन होती है बिल्कुल ही अलग होती है फेयरवर्क से। जैसे फेयरवर्क में अपन सबसे पहले आउटलाइन करते हैं लाइट पेंसिल यूज़ करके और फिर बिल्कुल उसको अच्छे से बनाते हैं ना, लेकिन मैं आपको एक स्केच दिखाता हूँ जो मैंने पेस्टल से बनाया है। उसमें मैंने डायरेक्टली पेस्टल अप्लाई करा था, कोई मैंने सबसे पहले आउटलाइन वगैरह नहीं करी थी। तो इस तरीके से अपन को कैसे बनाने, रफली जल्दी जल्दी कैसे बनाने, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में दिखाऊंगा जब मैं कोई भी स्केच की वीडियो डालूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको मेरे कुछ स्केचेस दिखाता हूँ। बाय द वे गाइस, फिलहाल मैं अभी ये वाला वर्क कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो गणेश जी का। ये अभी कुछ इतना सारा बाकी है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा इसकी भी वीडियो डालनी। कलर पेंसिल से बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया था तो मन करा चलो इस बार कुछ कलर में बनाएंगे। तो ये अभी देख लो कुछ इतना ही हुआ है, आराम से बना रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा। तो मैं ये टेबल पूरी खाली करता हूँ ताकि आप लोगों को स्केचेस दिखा पाऊँ। तो हाँ, मैं करता हूँ फिर। तो गाइस मैं आप लोगों से इस वाले स्केच की बात कर रहा था, इसमें मैंने डायरेक्टली जो है सॉफ्ट पिस्टल का अप्लाई करा था। ये आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का इतना छोटा सा, तो मैंने डायरेक्टली इसका अप्लाई करा था। कोई भी मैंने आउटलाइन वगैरह नहीं बनाई थी एज अ रफली के लिए। तो एक ये है पोर्ट्रेट, और ये आप देखिए ये मैंने ऑयल पेस्टल से बनाया था। ये भी फ्री हैंड ही करा हुआ है, कोई मैंने आउटलाइन वगैरह नहीं करी। ये जस्ट एक जो रफ स्केचेस होते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रोपोर्शंस को समझने के लिए, उस हिसाब से। एक ये है ऑयल पेस्टल से बनाया हुआ, और ये मैंने लाइव स्टडी करी थी। ये तो मैं 5-10 मिनट में हो जाती, मोस्टली जो थोड़ा सा टाइम हो ज़्यादा इसमें लग जाता है, इसमें कोई 25-30 मिनट लग जाता है। और ये सारी तो 5-6 मिनट में करी हुई है, कोई कोई 2-3 मिनट में भी करी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे क्या होगा आपके प्रोपोर्शंस क्लियर होंगे, आपको हाथों का जो फ्लो वो क्लियर होगा। तो ये तो एक बेस आप लेकर चलो जो स्केचेस वगैरह होते हैं। तो ये आप देखिए ये मैंने ऑयल पेस्टल से किया था, और मैं आपको कुछ ही दिखा सकता हूँ, सारे नहीं दिखा सकता, ठीक है, जिससे कि आपको यू नो यू कैन हैव अ आइडिया। ये मैंने चाकूल से करा था, ये भी मैंने चाकूल से करा था। ये इसमें मैंने फिर करने के बाद, जैसे ये वाला जो स्केच आपने देखा अभी, इसमें मैंने कोई ब्लेंडिंग नहीं करी थी, डायरेक्टली मैंने चारकोल पेंसिल को अप्लाई करा था, ठीक है। और फिर ये ब्लेंड करने के बाद, और ये ब्लेंड में मैं फिंगर से ही करता हूँ, और इसमें इरेजर का यूज़ नहीं करा, जस्ट एक चारकोल पेंसिल एंड दैट्स इट। और ये भी सेम, मैंने सबसे पहले पेंसिल से शेडिंग करा, फिर फिंगर से ब्लेंड करा। तो गाइस ये सारे स्केचेस मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोस में करके भी दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।